हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर्टिशन मनीषा। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आर्टिशन मनीषा में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई होंगी। तो आज हम सब मिलकर चलते हैं दिल्ली के कुतुब मीनार। मीनार की जो एंट्री फीस है वो इंडियंस के लिए है 40 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए वो है 600 रुपीज़। मीनार का टाइमिंग है सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे और ये हफ्ते में 7 दिन खुलता है। कुतुब मीनार को मेंटेन और मैनेज करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि है ASI। भारत की कुतुब मीनार का नाम विश्व की सबसे ऊँची इमारतों में शामिल है और ये एक 5 मंजिला इमारत है। चलिए अब मैं आपको कुतुब मीनार के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। कुतुब मीनार को आज से 822 साल पहले 1199 में बनाना शुरू किया गया और 1220 में ये बनकर रेडी हो गया। कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया गया था महाराजा कुतुबुद्दीन ऐबक की राज में, जो कि तुर्किस्तान से भारत आया था और वो बना दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला राजा। इस मीनार की हाइट है लगभग 72.5 मीटर, लगभग 335 फीट। इसे विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। जब कुछ विदेशी घुसपैठियों ने दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, तब उन्होंने इस विक्ट्री टावर का निर्माण किया ये दिखाने के लिए कि अब दिल्ली में हमारा राज्य है। कुतुब मीनार बना है रेड सैंडस्टोन पत्थर से जो कि राजस्थान से लाया गया था। एक नज़र में अगर आप कुतुब मीनार का आर्किटेक्चर देखें तो आपको ये एक इस्लामिक मॉन्यूमेंट की तरह लगेगा, मगर इसका जो फ्रंट गेट है वो नॉर्थ की तरफ है, जो कि हिंदू लोग नॉर्थ की तरफ अपने मंदिरों का और अपने मॉन्यूमेंट्स का फ्रंट गेट नॉर्थ की तरफ बनाते हैं। और आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको पुराने हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलेंगे। के बारे में आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके अंदर 27 हिंदू और जैन मंदिर मौजूद थे। कुतुब मीनार में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि है ये आयरन पिलर। एक्सपर्ट के मुताबिक ये आयरन पिलर 5th सेंचुरी का है और 98.6% आयरन है इसमें। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस आयरन पिलर को यहाँ पर लगवाया था। कुतुब मीनार का जब पहला फ्लोर बना था तभी कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद इसका काम कंटिन्यू रखा था इल्तुतमिश ने। इस मीनार पे कुरान की बहुत सारी आयतें इंग्रेव्ड हैं। इस मॉन्यूमेंट में जितने भी ये अवशेष हैं उनमें बहुत महीन सी हाथ की कारीगरी की गई है और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सामने आप एक अधूरी सी मीनार देख रहे हैं जिसका नाम है अलाई मीनार, जिसका काम अधूरा ही रह गया। कुतुब मीनार प्रेमिसेस के अंदर एक मॉस्क भी है जिसका नाम है कोतल इस्लाम मॉस्क। ये जो अलाई मीनार है ये कुतुब मीनार से दुगनी चौड़ाई वाला बनना था, मगर इसको बनाने के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई, इसलिए ये मीनार अधूरी रह गई। रात के समय जब कुतुब मीनार की सारी लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आप लोग इसे दिन में तो एक बार विजिट करें ही, साथ में अगर आप एक बार शाम के टाइम भी इसे विजिट कर पाएँ तो इसकी लाइटनिंग भी ज़रूर देखें। प्रेमिसेस के अंदर एक इल्तुतमिश की कब्र भी है जो कि मार्बल से बनी हुई है, क्योंकि इसको कंप्लीट 2nd 3rd फ्लोर इसके कंप्लीट इल्तुतमिश नहीं करवाए थे। और इस कॉम्प्लेक्स में जो सारा एक्स्ट्रा एक्सटेंशन वाला एरिया है वो सारा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में वो सारा एक्सटेंशन अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और ये सारी शिल्पकारी भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज ओवर हुआ हमारा ये वाला डेस्टिनेशन। अब हम ऑटो लेके चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जो कि है श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा।
चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन इंडिया गेट की ओर। इंडिया गेट को पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 80,000 सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। इस इमारत को बनाने के लिए खासकर लाल और पीले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसको भरतपुर से लाया गया है, और इसकी ऊंचाई 137.79 फुट है। इंडिया गेट के नीचे 1971 में शहीद हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में मारे गए शहीद सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई। अमर ज्योति दिन रात उन शहीदों की याद में जलती रहती है। अमर जवान ज्योति की स्थापना एक काले संगमरमर से की गई है और इस पर एक बंदूक और एक सैनिक की टोपी रखी गई है। इस स्मारक की दीवारों पर देश के लिए मर मिटने वाले तमाम सैनिकों के नाम एनग्रेव्ड हैं। स्मारक भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। इंडिया गेट पे हर साल गणतंत्र दिवस पर विशाल परेड का आयोजन होता है। इंडिया गेट भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में गिना जाता है। इंडिया गेट का शुभारंभ 26 जनवरी 1972 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। तो फ्रेंड्स, आई होप आज आपको मेरा ये ट्रैवल ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून।